तो लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप यू आर फाइन। तो जी आज मैंने कहा था कि मैं दाल बनाते हैं, आज दाल माश बना रहे हम। तो जी गाइस अभी दाल लेके मैं पहुंच चुका हूं, अभी आपको दिखा देते हैं। दाल मैंने एक ट्रे में डाल ली है सारी, ये देख सकते हैं आप। अभी जल्दी से इसमें पानी वगैरह डाल के ना इसको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, ताकि इसमें जितना भी गंद वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। देख सकते हैं अभी दाल भिगोने के लिए रखी हुई है, प्रेशर मैंने ऊपर रख दिया। अभी जल्दी से इसमें ऑयल ऐड करते हैं, तो ऑयल को इधर रख लेते हैं कुछ उठा के पास। जल्दी से ऑयल ऐड करते हैं, 6 टेबल स्पून में ऐड कर रहा हूँ, 6 स्पून। ऑयल ऐड हो चुका है, ऑयल को साइड रख देते हैं। ये देखें प्याज भी मैंने काट लिया, साथ इसके नीचे लहसुन है और ये टमाटर वगैरह काट लिए। ये सारे मसाले हैं जो डलना है, सूखा धनिया, डल्डा मिर्च, जीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ये सूखा धनिया, ये भी सूखा धनिया और ये अजवाइन। जल्दी से भी पहले इसको ना टमाटर डाल के और अदरक डाल के ना इसको अच्छी तरह मसाले को ब्राउन करते हैं। तो जी गाइस अभी देखें आप, मसाला अच्छी तरह पक चुका है। अभी मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके ना इसको प्रेशर को क्लोज करके रख देते हैं 5 मिनट्स के लिए, या 4 से 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं ताकि अच्छी तरह पक जाए। तो जी गाइस मैंने प्रेशर क्लोज कर दिया था, 5 से 4 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको ओपन करते हैं जल्दी से, पहले इसकी सीटी उठा दी मैंने ताकि इसके अंदर से जितनी भी गैस है वो सारी बाहर निकल जाए। प्रेशर आपने बहुत केयरफुली ओपन करना। तो जी गाइस अभी आप देख सकते हैं पानी इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया। 4 से 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको प्रेशर को क्लोज करके रखा था, थोड़ा सा रह गया बिल्कुल। ये वैसे मैं ना इसको अच्छी तरह पकाऊंगा ना तो फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा पानी। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो जी गाइस अभी मसाले डालने का टाइम आ गया, सारे मसालों का नाम मैंने आपको पहले बता दिया, अभी जल्दी से ऐड करते हैं। तो मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए, अभी जल्दी से ट्रे को साइड पर रखकर इसको मिक्स करते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद इसमें दाल ऐड करनी है। तो जी गाइस अभी मसाला मिक्स कर लिया है, तो अभी दाल ऐड करते हैं इसमें जल्दी से। एक आज से व्लॉगिंग करना और कुकिंग करना बहुत मुश्किल है, जल्दी से दाल ऐड कर देते हैं इसमें। मैं आपको दाल ऐड करके बताता हूँ। तो जी गाइस अभी इसमें दाल वगैरह ऐड कर दिया, इसमें वाटर ऐड करते हैं थोड़ा सा, 1 ग्लास वाटर दोबारा ऐड किया। अब इसको दोबारा प्रेशर को क्लोज करके रख देंगे। अगर आपने प्रेशर में कुकिंग की है तो फिर आपने 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको सीटी में रखते उस वो क्लोज करके रखना प्रेशर को। लेकिन अगर आप वैसे ही कुकिंग कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए दम पर लगाना अच्छी तरह। आप इसका लेड ऊपर देख मैं इसको क्लोज कर दिया, तो 5 से 7 मिनट्स के लिए इसको रख देते हैं ताकि पानी अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। और ये इधर मैंने अदरक और मिर्चें भी काट ली इसी तरह, ताकि जल्दी जल्दी फिर बाद में डाल लूँगा। तो जी गाइस अभी दाल पक चुकी है, मैंने प्रेशर में कुकिंग की है इसलिए मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए वेट पर रखा है। अभी जल्दी से इसका वेट उठाते हैं ऊपर से, ताकि इसमें से सारी स्टीम बाहर निकल जाए। तो जी गाइस अभी दाल पक के हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बस इसको 2 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो भी न रहे। तो अभी इसमें बस गरम मसाला ऐड करना है, वो जो बनने के बाद ऐड कर लेंगे।
तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।